हेलो दोस्तों, माधवीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड वेलवेट केक। ये बहुत ही इजी केक है, ये एगलेस है और इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे। और इसमें जो मैंने फ्रॉस्टिंग यूज की है, बहुत ही यूनिक फ्रॉस्टिंग है, इसके लिए आपको व्हिपिंग क्रीम की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही इजिली ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर ये रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बनाना ये वेलवेट केक। तो दोस्तों, आइए पहले हम केक टिन को ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने 6 इंच डायमीटर का एक केक टिन ले लिया है, इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसमें एक बटर पेपर सर्कल शेप में कट करके लगा लेंगे। अगर बटर पेपर ना हो तो इसमें मैदे से अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे और इसे रेडी करके साइड में रख लेंगे। अब हम बनाएंगे बटर मिल्क। तो बटर मिल्क के लिए एक बोल में हम ले लेंगे यहाँ पर 1/2 कप दूध और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून विनेगर। अगर विनेगर ना हो तो इसमें लेमन जूस भी ऐड किया जा सकता है। और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट में हमारा बटर मिल्क रेडी हो गया है। इसे एक बार इस तरह से बीट कर लेंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, बटर मिल्क हमारा रेडी है। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। रिफाइंड ऑयल में कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। ये देखिए, चीनी जो है वो अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो पहले हम छन्नी रख लेंगे एक। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान कर डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेंगे 1 कप और 1/4 कप मैदा। 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। कोको पाउडर से हल्का सा चॉकलेट का टेस्ट आता है इसमें। और 1 टीस्पून से ज़्यादा कोको पाउडर ना डालें, नहीं तो जो केक का कलर है वो रेड की जगह ब्राउन हो जाएगा। इसलिए हल्का सा फ्लेवर के लिए बस हम कोको पाउडर यहाँ यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए, हमारा इस तरह का थिक बैटर बना है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1/4 कप दूध। ये देखिए, मैंने 1/4 कप दूध डाल दिया है। और इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 6 ड्रॉप्स रेड कलर। यहाँ मैंने जेल फूड कलर यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह से बैटर में मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ब्राइट रेड कलर हमारा आया है। तो बस इसी तरह का हमें बैटर बनाना है, इसी कलर का। इससे केक का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास पाउडर कलर या लिक्विड कलर है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बैटर हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे केक टिन में डाल लेंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है बैटर का। बैटर को हम थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल इसमें ट्रैप हो गया हो तो वो रिलीज हो जाए। अब हम इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, पैन में इसे बेक करेंगे। पैन हमारा प्रीहीट हो चुका है, 10 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। और अब हम केक का बैटर इसमें रख देंगे और इसे ढककर 30 से 35 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। अगर ओवन में बेक करना है तो इसे 180 डिग्री पर बेक कर सकते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। ये देखिए, 30 मिनट हो चुके हैं, केक को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, केक बहुत ही सुंदर फूल गया है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसे नाइफ से एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, केक का बैटर नाइफ पर लगा हुआ है, मतलब केक अंदर अभी ठीक से बेक नहीं हुआ है। तो इसे हम ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। इसे एक बार और नाइफ से चेक कर लेंगे हम। ये देखिए, केक हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे पैन से निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। और आइए अब हम बनाएंगे अपनी फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए एक सॉस पैन में लेंगे 1 कप दूध। मैं यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक फ्रॉस्टिंग बनाने जा रही हूँ। इसे फ्लावर फ्रॉस्टिंग कहते हैं या इसे अर्मीन फ्रॉस्टिंग भी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब हम मिल्क में ऐड करेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 3 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मतलब 3.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मैदा, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे, बिल्कुल अच्छा सा घोल तैयार हो जाए हमारा। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से घुल गई है, कोई भी लंप नहीं है इसमें। तो अब हम सॉस पैन को रख देंगे गैस के ऊपर, गैस ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि इसके तले में ना लग जाए ये। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो घोल है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये घोल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम गैस को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम इसी तरह से चलाते हुए 2-3 मिनट तक कुक करेंगे। और 2-3 मिनट के बाद ये जब मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाए तो गैस ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को गैस से उतार लेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्सचर फ्लावर का
बिल्कुल रेडी है। अब इस मिक्सचर को एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए। ये फ्रॉस्टिंग बहुत ही आसान है बनाने में, और इसके लिए आपको व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत भी नहीं है और कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है जो आपको ना मिले। इसे हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो इसके पहले हम इस तरह से एक प्लास्टिक से इसे ढक देंगे, और प्लास्टिक से इसे इस तरह से ढकना है ताकि इसके बीच में कोई स्पेस ना रहे। ये देखिए, इस तरह से हम प्लास्टिक से ढक कर इसे फ्रिज में रख देंगे करीब 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए, 1 घंटे के बाद ये जो फ्लावर का मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो गया है। ये और भी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की है। बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्सचर बना है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में लेंगे 100 ग्राम बटर। तो मैंने यहाँ पे अमूल का 100 ग्राम बटर लिया है, ये सॉल्टेड बटर है। इसे मैंने फ्रिज से निकाल कर 1 घंटे के लिए बाहर रख दिया था। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट हो गया है हमारा बटर। इसी तरह का बटर हमें चाहिए क्योंकि हमें इसे बीट करना है। तो इसे हम लगातार 5 मिनट तक इस तरह से बीट करेंगे ताकि ये बटर एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर भी एकदम वाइटिश हो जाए। तो आप देख सकते हैं बटर का कलर एकदम वाइटिश हो गया है। पहले इसका कलर येलो था, बीट करते करते ही इसका कलर वाइट हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके फ्लावर का मिक्सचर मिलाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ 2 चम्मच फ्लावर का मिक्सचर इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लावर का मिक्सचर जो है वो बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें फ्लावर का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा, ये जो मिक्सचर है काफ़ी स्मूथ बनेगा और एकदम व्हिप्ड क्रीम की जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, कलर भी एकदम वाइट है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम व्हिप्ड क्रीम जैसी बन गई है। ये देखिए, तो सारा फ्लावर का मिक्सचर मैंने बटर में मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, अच्छे से बीट करने के बाद ये जो फ्रॉस्टिंग है कुछ इस तरह की हो गई है। तो ये देखिए, फ्लावर फ्रॉस्टिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। काफ़ी डिलीशियस लगती है ये खाने में, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी भी है बनाने में। हमारा जो केक है वो भी ठंडा हो चुका है, इसे अब हम केक टिन से निकाल लेंगे। काफ़ी सुंदर कलर आया है केक का, आप देख सकते हैं। नाइफ से पहले इसे लूज़ कर लेंगे और इसे केक टिन से अलग कर लेंगे, और इसका जो बटर पेपर है वो हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंजी केक हमारा बना है। ये देखिए, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब हम क्या करेंगे, केक के ऊपर ये जो अनइवन लेयर है इसे हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे, और इसे हम यूज़ करेंगे क्रम बनाने में। ये देखिए, काफ़ी स्पंजी टेक्सचर बना है हमारा केक का। अब हम केक को 2 या 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 लेयर में डिवाइड कर रही हूँ केक को। तो ये देखिए, मैंने 2 बराबर लेयर में डिवाइड कर लिया है केक को। लेयर्स को हम साइड में रखते हैं। जो हमने ऊपर का लेयर निकाला था उसे इस तरह से पीसेस में करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा केक का क्रम भी तैयार है, इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो आइए अब हम केक को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक टर्न टेबल पर प्लेट रख लिया है। आपके पास अगर केक बोर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हैं केक बोर्ड। तो ये देखिए, इस पर हम रखेंगे पहला लेयर केक का। उसे अच्छे से सोक कर लेंगे शुगर सिरप से, इस तरह से शुगर सिरप से हम सोक कर देंगे, और इसके बाद इस पर हम फ्रॉस्टिंग डालेंगे और इसे अच्छे से केक के लेयर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे इवनली। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दूसरा लेयर और इसे भी शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। ये देखिए, और इस पर हम वापस फ्रॉस्टिंग डालेंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं इस क्रीम से कितनी अच्छे से फ्रॉस्टिंग हो रही है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और इसे बनाने के बाद तुरंत यूज़ कर लेना है, इसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं जैसे हम व्हिप्ड क्रीम को स्टोर करते हैं ना, इसे स्टोर नहीं करना है हमें, इसे उसी समय हमें तुरंत यूज़ कर लेना है। ये देखिए, केक को हम साइड से भी अच्छे से कवर कर देंगे क्रीम से, और इसे इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। आप स्पैचुला या स्पून से इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। इसे एकदम परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पर हम क्रम को स्टिक करेंगे। तो ये देखिए, मैंने केक को अच्छे से स्मूथ कर लिया है, क्रीम से कवर कर दिया है केक को। अब हम इसके ऊपर इस तरह से क्रम सजा देंगे, चारों तरफ केक को कवर कर देंगे क्रम से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा जो रेड वेलवेट केक है बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये देखिए इस तरह से पूरी अच्छी तरह से हम केक को कवर करेंगे क्रम से। ये देखिए,
साइड्स में भी अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा क्रम्ब है उसे हटा देंगे, प्लेट को क्लीन कर लेंगे और स्पून से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से क्रम्ब को अच्छे से स्टिक कर लेंगे ताकि क्रम्ब जो है वो गिरे ना। ये देखिए काफी अच्छे से स्टिक हो जाता है क्रम्ब केक के ऊपर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक, बिल्कुल वेलवेट की तरह लग रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है रेड वेलवेट केक। इतनी फ्रॉस्टिंग एक केक को कवर करने के लिए सफिशियंट होती है। फ्रॉस्टिंग को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो हम फ्रॉस्टिंग बनाने के बाद इसे तुरंत यूज कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रॉस्टिंग जो है ना वो सेट हो जाती है, अगर हम फ्रिज में रखेंगे ना तो वो सेट हो जाएगी, तो उसके बाद आप दूसरे केक में उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों रेड वेलवेट केक हमारा रेडी है। इसे आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं या इसे आप अपने पसंद के हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे डेकोरेट कर दिया कुछ कलरफुल हार्ट से। आप किसी तरह के भी स्प्रिंकल्स इसमें यूज कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। केक को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। आइए जल्दी से इसे कट करते हैं और देखते हैं हमारा केक कैसा बना है। ये देखिए काफी सॉफ्ट ये केक बना है हमारा और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर का टेक्सचर। ये देखिए कितना सुंदर केक हमारा बना है, इसकी फ्रॉस्टिंग भी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही स्टेबल फ्रॉस्टिंग बनती है, ये मेल्ट भी नहीं होती है जल्दी और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो दोस्तों आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।